नमस्कार, मैं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में इन दिनों कोविड-19 का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते दिन कल की बात अगर करें तो स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार 130 मरीज कल वृद्धि हुई है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल आंकड़ा 6,940 बिहार में हो चुकी है। लगातार कोविड-19 के मरीज की वृद्धि के कारण बिहार के लोग सकते में हैं। बिहार के राजद के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को एम्स में भर्ती की गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं उधर पूर्व सांसद बांका की पुतुल देवी को भी पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागृत करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि चैन तोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पे सख्ती से काम किया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा कि यह महामारी से सबको मिलजुल कर जूझना होगा। बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जिला मुख्यालय के बाहर के सारे सड़क को फोरलेन में तब्दील की जाएगी और प्रखंड मुख्यालय के बाहर के सड़कों को टू लेन में तब्दील की जाएगी। आज पटना में तेज बारिश होने की संभावना है, जल जमाव की भी संभावना है, लेकिन कहा जाता है कि भीषण गर्मी से बचने के लिए बारिश होना अति आवश्यक है। उधर विधान परिषद में भाजपा के अवधेश नारायण सिंह को कार्यकारी सभापति नियुक्त किया गया है, चूंकि हारून रशीद का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। साथ ही साथ यह भी आप कह सकते हैं कि बिहार के 6 सपूत की जान चली गई चीन और भारत के सीमा रेखा के पास, और सारण के एक सुनील राय के घर गलत मैसेज आने से कोहराम मच गया, लेकिन बाद में सुनील राय के घर वालों को खबर मिली कि वो सुरक्षित है तो फिर खुशी की लहर दौड़ गई। बिहार के 6 जवान की मृत्यु हो गई। कल पार्थिव शरीर को पटना हवाई अड्डा पर लाया गया और वहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सुशील मोदी सहित सारे नेता उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सैनिकों ने सलामी दिया और पार्थिव शरीर को उसके घर तक भेजने का काम किया। लगातार तानातानी की बात कही जा रही है। बिहार में नौकरियों की पिटारा खुलने वाली है। कई विभाग में नौकरी की भर्ती की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार इस चुनावी साल में नौकरी देने की ऐलान करने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना परीक्षा लिए किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा और जुलाई में परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार में कई जिले में शराब के खेप पकड़े जा रहे हैं और शराब लाने वाले और बेचने वाले धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। अपराध की श्रृंखला बढ़ चुकी है। शराब बंदी के बाद भी शराब के खेप तेजी से लाए जा रहे हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो बंबई अपने बेटे के मुखाग्नि के लिए गए थे, वो लौट कर अब बिहार आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी दुख देखा जा रहा है और वो सुशांत सिंह राजपूत को सपना को पूरा करने के लिए, उनके द्वारा छोड़े गए कार्य को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया कि विधान परिषद सदस्य की जो होगी चयन, उसमें संसदीय बोर्ड में वार्तालाप करने के बाद फैसला लिया जाएगा और तेजस्वी तेज प्रताप विधान परिषद के सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि वो विधायक हैं और 3 सदस्य विधान परिषद में राजद के द्वारा भेजा जाएगा, 1 कांग्रेस, 3 जदयू और 2 भाजपा की ओर से भेजी जाएगी। प्रक्रिया चालू कर दी गई है और चयन की भी प्रक्रिया तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक करके निर्णय लिया जाएगा और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण और अन्य लोगों में किसी
जाति विशेष के लोगों को भेजने की प्रक्रिया जारी की गई है। उधर आप स्वयं को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।